टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। देखिए, हम आज से इंग्लिश स्पीकिंग का एक पर्टिकुलर कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं, थ्री टाइप्स के हम कह सकते हैं वेज होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल जो हम नॉर्मली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, प्रेजेंट मतलब जो चलता चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट जो फिलहाल कंटिन्यूस है, जो आप फिलहाल कर रहे हो वो प्रेजेंट है। तो सिंपल, सिंपल का मतलब क्या है अब हम देखते हैं इसमें। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले क्या होगा, इसका रूल आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, रूल कहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, अगर सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ते है या ती है, ये आता है, तो इसका मतलब है कि वो सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि साथ में है लग रहा है। ता है, ते है, ती है, सिंपली आता है। मैं काम करता हूं, का हूं, जो लास्ट में ये आते हैं तो मतलब कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, नेम, वी, दे, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं, आई, यू, तुम या आप, दे, वे या फिर वी, हम, ही, कोई लड़का, कोई एक लड़का, शी, कोई एक लड़की, तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। किसी का नेम, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई जगह, इट, इट ले लेते हैं, वो भी एक सब्जेक्ट है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कोई काम, कोई वर्क या कोई भी चीज, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि इसका और रूल, इसमें और भी रूल्स हैं, सिर्फ यही रूल्स नहीं है। अब देखिए, सिंगुलर चीजें, सिंगुलर चीजें कौन सी होती है, सिंगुलर यानी कि सिंगल, सिंगल मतलब एक, तो कौन सी चीज, जो कोई भी, ही, कोई एक लड़का, शी, कोई एक लड़की, सिंगल। इट, कोई चीज, इट, कोई एक चीज। नेम, किसी भी एक पर्सन का नेम, ये सारे सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर चीज। उस सब के साथ सब्जेक्ट तो लगेगा ही, ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। प्ले है तो प्लेस हो जाएगा, ठीक है, गो है तो गोज हो जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट, कोई प्लूरल, प्लूरल मतलब कोई दूसरा, ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए, आई, यू, वी, दे, मैं, तुम, हम या कोई और, दे, वे, कितने भी, वुई, हम भी कितने हो सकते हैं, वुई, वुई में मैं भी आऊंगे, कोई और भी आएंगे, यू, तुम, ठीक है, कोई दूसरा, दे, वे, वे कितने भी हो सकते हैं, आई, मैं भी, ठीक है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या यस नहीं लगेगा, ठीक है ना। ही, शी, इट, नेम या किसी भी सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है। तो ये सब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स हैं।
ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है। आइए हम इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, ती हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है, ती हूँ, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सीखती हूँ। तो इसमें क्या लगेगा, मैं, पहले सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, मैं को क्या कहेंगे, आई, ठीक है, सीखना, लर्न, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपली, तो आई लर्न, सिंपल लर्न, या स्टडी, पढ़ना भी स्टडी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आई लर्न। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, कोई जो भी ऑब्जेक्ट है वो बाद में आता है, तो इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या सीखती हूँ, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश, सिंपली ती हूँ आ रहा है लास्ट में। नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं, हम, वी के साथ क्या लगता है, आप ऊपर रूल्स देख लेते हैं, देख सकते हैं ये सारे रूल्स हैं इसके, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वी हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी पढ़ना, वो हम पढ़ते हैं, वो खेलती है, कोई लड़की है, ठीक है, तो क्या आएगा इसके लिए, कोई लड़की के लिए क्या लगेगा, शी एस एच ई, शी, और शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगेगा, तो क्या आएगा, शी प्लेस, सिंपल शी प्ले नहीं आएगा, ही शी इट नेम किसी भी सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ई एस लगता है, तो शी प्लेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज, मैं आती हूं, आई कम, मैं आती हूं, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई कम, अगर ज्यादा इसको इंप्रेसिव बनाना है तो आई कम साथ में डियर लगा देते हैं, आई कम डियर, मैं आती हूं, ठीक है। नेक्स्ट है हम दिल्ली में रहते हैं, हम, वी, और वी सब्जेक्ट है हमारा, हम, वी क्या है, हम क्या है, सब्जेक्ट है, हम, वी दिल्ली में रहते हैं, वी वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, रहते हैं, लिव है ना वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी लिव, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, लास्ट में ते है आ रहा है, राधा और गीता स्कूल जाती है, राधा एंड गीता क्या हो गया, वो सिंगुलर तो नहीं रहा क्योंकि राधा और गीता दो पर्सन्स हो गए हैं, टू गर्ल्स हो गई हैं, तो वो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राधा एंड गीता गो टू स्कूल, स्कूल जाती है, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में ऑब्जेक्ट टू स्कूल, राधा एंड गीता गो टू स्कूल, अगर यहाँ पे होता कि राधा स्कूल जाती है तब हम क्या लगाते, राधा गोज टू स्कूल, राधा एक सिंगल लड़की का नेम हो जाता, या फिर गीता स्कूल जाती है तब भी गीता गोज टू स्कूल, जी ओ ई एस, गोज लगता, ठीक है, अभी दो जने हो गए तो प्लूरल हो गया है, राधा एंड गीता गो टू स्कूल। नेक्स्ट वन इज, वह कभी कभी आती है, वह कोई लड़की है, आती है, लास्ट में ती है आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शी आना, कम, शी कम, लेकिन शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगेगा, तो शी कम्स कभी कभी, समटाइम, शी कम्स समटाइम। नेक्स्ट वन, शी सब्जेक्ट है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी है तो एस या ई एस लगेगा, तो कम्स हो गया, कभी कभी, समटाइम ऑब्जेक्ट में चला गया। नेक्स्ट, राम
पड़ता है। राम कोई लड़का है, कोई नेम है, तो नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। पढ़ना रीड या रीड की, रीड के साथ क्या लगेगा, राम कोई नेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, राम रीड्स। ठीक है, अगर स्टडी पढ़ता है, अगर हम स्टडी लिखते हैं, राम स्टडीज। ठीक है, अगर सिंगल एक पर्सन है। नेक्स्ट अगर हम खुद ही देख लेते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, ती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, आई डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू वर्क, मैं काम करती हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू, आई डू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ। तो ये सारे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसके लास्ट में ता है, ते है और ती है आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर होता है।